देखो ये भी काट रहा है, इधर हम पाइपिंग कर रहे हैं, इधर ये भी पाइपिंग कर रहे हैं। वो भैया जो है वो अपना ग्रिप और सेडल ठोकेंगे, ठीक। ग्रिप पाइप ले लेता हूँ यहाँ से। तो जैसे ही हम लोग पाइपिंग कर रहे थे ना, तो ये तो ड्रिल मशीन ख़राब थी, दो और थी, तो चार मशीन मतलब ख़राब थी ड्रिल वाली, ठीक। तो जा रहे हैं ड्रिल मशीन बनवाने सत्तादार घड़िया का आलू दिया ठीक है। इंजीनियर का स्कूटी से आए लोग देखा भाई में लगा के यार कौन एक्टिवा कौन कनेक्ट हो जाए। देखिए एक्टिवा रही वो वाली ना आई है तब, और उधर की देखा था वो वाली ना नहीं आई। देखो ये दे एक्टिवा आई है, यार पता ही नहीं चलता है, मतलब सारे लोग गाड़ी खड़ा कर कर रखे ना। ए भाई दे एक्टिवा आई है, पता ना कौन सी वाली एक्टिवा है, पता ही नहीं है। तक चाबी लगा लगा ट्राई करो, जो जिसमें खुलेगी उसको ले चलेंगे। तो लाल कलर थी ना, देखो पाइप 4G है तो कलर मतलब पता नहीं था इनको, तो बोला कि लाल कलर क्या है, तो कहाँ है लाल कलर। तो मैंने कहा अरे यार इधर यहाँ देखिए ज़्यादा ही लाल कलर करके, बोलेंगे ठीक है इसको बीच में धर लेंगे और आराम से बैठ कर चलेंगे आज नज़ारा मारते हुए। तो अरे स्कूटी चालू हो गई जो ला रहे हैं वह, और वीडियो अपलोड कर दिया लेकिन पब्लिश नहीं किया, रुक जा कर दूँ। देख रहे हो कितना बड़ा बेसमेंट है, एक ही बेस मतलब एक कॉलेज है ना, तो एक ही वन नंबर बेसमेंट है, अति ज़्यादा करके होटल में चार तक बेसमेंट रहता है। हवा नहीं लगी ना चढ़ी क्या झटका से यार, तो पनिया में घुसे ना चाहता नहीं ना। चलो पहले छिल ले ये ना, छिल पूरा छोड़े छिल ले दिया सही रहा है। स्कूटी से ना ज्यादा, स्कूटी से मैं बहुत घुमा हूँ यार, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं रहती, पानी मुड़ जाएगी ना तो चालू ही नहीं होगी, ऐसा जगह प्लग दिया रहता है ना कि होता ही नहीं, घर वाला लड़ गया यार हिसाब से। चल बा आगे से घूम जाओ, चाहता ना कहा था वा आगे से घूम गया वा, चलो चलो गमछा भूल गया, सारा गमछा भूल गया, मुझे काम लग रहा है। ये सारे हमारे वो क्या बोलते हैं होटल के सारे जो स्कूल बन रहा है जी एल एस वाला, इसके पीछे का ये नज़ारा है बगल का, अब यही घूमे मुझे तो नहीं पता है क्लियर कि बस की जरूरत है, रास्ता देख ले भागी नहीं गाड़ी भी दूसरे को ले जाओ तो तेल बिना बनाओ। आ गए रूम पे ठीक, तो ताला मारा गया है, देखते हैं चाबी इसकी कहाँ मिलती है। तो अरे इसकी चाबी जो हम लेकर गए थे और ये खुल गई ठीक, तो सामान ले लेते हैं इसमें से। करने के बाद गए रूम पे जाने के बाद सोचा कि सत्ता जा रहा चलेंगे, सत्ता घर गए ही नहीं, रास्ते में से बोल रहे हैं कि जाओ तुमको लेट हो जाएगा, तब भी चिल्लाने लगेंगे, इसीलिए सत्ता धार नहीं गया। तब जा रहा पैदल ही साइड पर, इधर ही उतार के छोड़ दिया मुझे रोटी और छोला। खाने में लेट हुए क्योंकि हम लोग चले गए थे, लेट खाने तो। क्या प्याज नहीं खाता हूँ, खा लो तो अभी हमारी छुट्टी अभी, और ये जो आज मिला है ये नया वाला, बताना कैसा लग रहा है कमेंट करके ठीक है। तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है कि जो पहन कर ये लोग घूमते हैं जो है जा रहा, इससे ज़्यादा महंगा है डबल वाला है। सारा सामान हमने समेट लिया है और इसको यहीं पे धर देंगे, और वो भाई तो लेकर चला गया घोड़ा, बस एक ही घोड़ा है तो इसको मैं लेकर चला जाऊँगा, और चारा थोड़ी हो गई हम लोग के पास। देखो यहाँ से पाइप कितना पाइप ऐसे ही हम पूरा पाइप ही पाइप जाएगा यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हो यहाँ तक पाइप आई है, फिर यहाँ से अब यहाँ जो है ये होल मारा गया है,
अब यहाँ से पूरी एक ही पाइप जाएगी, दस दस को, दस दस को पाइप जाएगी, दस दस। तो हमने आज साइडलिंग कर दिया इसको पूरा पाइप को, बचा है बस यही। और देखो हमारे बंदे ये जा रहे हैं पट्टी वाले, तो अभी फिलहाल में खाना हो चुका है, देखो सब बैठे हैं, मतलब थाली में निकाल के देखो सीट पैक दिखा रहा है, हड्डी पैक है, बॉडी दिखा रहा है। ये देखो तेल, देखो सब्जी बने ठीक है, मतलब ये थोड़ा बहुत तेल है, मन बढ़ाई मशीन रही, ड्रिल मशीन, और ये रहा थ्री पिन इसे बोलते हैं, जो मतलब डालने की ऐसा जो लगा रहता पिन, जो इस जिसे हम प्लस कर बोलते हैं। तो ये सामने तो प्लस कर हो रहा है, तो इधर तो आज ड्रिलिंग करेंगे नहीं, तो इस वाले को हम ड्रिल कर दे रहे हैं, और इस वाले को ड्रिल कर दे रहे हैं, और इसमें थोड़ा, इसमें तो मतलब एक ही अभी लाइन डोरी मारा गया है, तो इतना मुझे करने में तो बर्फ ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी ड्रिल होगा नहीं, क्योंकि एक लाइन में कितना है देखो, एक पाइप, दो पाइप, ठीक, तीन, चार, पाँच, छः, सात पाइप है, तो सात को करने में कम से कम एक ही मारने में लंच हो जाएगा, ठीक, कि 10 से बज ही रहा है 10:30, दो घंटे में कितना मारेंगे, एक बजे लंच ही हो जाता है, तो देखते हैं सर जितना मारेगा उतना मारेगा, चलो लगा लेते हैं। अभी जा रहा हूँ बीट लाने, क्योंकि ये वाला बीट जो था ना सरिया लग गया तो ख़त्म हो गया, दाम कर मार रहा था सरिया लग गया खत्म हो गया, धुआँ छोड़ दिया, बीटे वाले ले देवे तो नहीं आई, खत्म हो गए यार, वहाँ कैसा नगा लेगा वही में लगे ले भाई, ऊपर का मुँह चिकन हो गया मारी नहीं, और कम हो गया, तो दुकान पर पूछ रहा हूँ कि कहाँ पर गैस भराता है, किराने वाले दुकान से पूछूँ, ये सब भरते होंगे तो ला कर दे देंगे सब, नहीं भरते में तो बात ही अलग है, यहाँ तो चप्पल बोल रहे हैं ना कि 10 बजे गाड़ी आती है, वही देगा बाटला नहीं, इधर कोई किराना वाला बाटला नहीं देता, ये आगे चल कर पूछ लेता हूँ और कोई बताता है क्या, क्योंकि यार ऐसे ही बार बार खत्म होगा तो हमें चाहिए ना बाटला, इसीलिए तो बाटला के लिए एक जना से पूछा तो बता रहे थे कि इसके इधर जाने पर एक पानी वाली दुकान, तो पानी तो मतलब मिलता ही मुझे पता ही है, तो इसके इधर और जाने पर जस्ट दुकान है, तो वहीं से लेकर वहीं बाटला मिलता है, पर पूछना अगर देगा पैसा देगा बाटला लेते आऊँगा, और फिर यहाँ पे आकर मुझे छोड़ देगा, फिर खाली लेता चला जाएगा, अब देखते हैं क्या करता है, पहुँचा बोल दूँगा 50,000 ले ले, और क्या, अब अकेले हूँ तो क्या करूँ, बोला था अब देखो क्या करते हैं सब, मुझे नहीं पता। तो चलो रात तो हो गया, सोचा था खाना बना कर मस्त कर सोऊंगा, कहाँ से सोने को मिलेगा, नहीं मुझे मिलेगा, पूछा था दुकान से तो बताएं सर, रूम के नीचे मतलब एक मालकिन रहती है तो वो बता रही थी, तो उससे नहीं लेंगे, पहले दाम हम पूछ लेंगे कितने पड़ता है तब जान लेंगे, जब मिल ही जाएगा तो बार बार उसको डिस्टर्ब करना की क्या जरूरत है, पता ना गैस यूज की देती है कि चलाई हो देती है, इतना जल्दी 14 दिन में यार गैस खत्म हो गया, बंद देना 14 दिन बहुत कम नहीं होता है, महीना तो कम से कम 20-25 दिन जाना चाहिए ना, वो भी नहीं गया, खत्म हो गया, बंद थी गया था तो बंद दुकान थी तो चला आया, अब गैस अब मालकिनी से पूछना पड़ेगा, गैस धारी है तो दे देगी, अगर नहीं धर जाएगी तो नहीं देगी, बस और क्या, अब वही लास्ट ऑप्शन है और कुछ नहीं, तो चलो अब चलते हैं।